रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? होपफुली ऑल विल बी फाइन। लेट्स स्टार्ट आवर टुडेज लेक्चर। टुडे यू विल ओपन योर बुक एंड ओपन पेज नंबर 122। टुडे द डेट इज 11 जनवरी, 2021 एंड द डे इज मंडे। टुडे वी विल स्टार्ट आवर न्यू चैप्टर, चैप्टर नंबर 15। इट्स टॉपिक इज पाकिस्तान आफ्टर इंडिपेंडेंस, आज़ादी के बाद पाकिस्तान। ठीक है, अब हम इस चैप्टर में हम आज़ादी के बाद पाकिस्तान की सूरत हाल का जो है वो जायज़ा लेंगे। मैनी ऑफ द मुस्लिम्स हु अराइव्ड इन पाकिस्तान वर होमलेस, बहुत से मुसलमान जो पाकिस्तान में पहुंचे वो बेघर थे। दे हैड लेफ्ट एवरीथिंग बिहाइंड इन इंडिया एंड हैड टू स्टार्ट अ न्यू लाइफ इन अ न्यू कंट्री। वो अपनी हर चीज़ जो है वो हिंदुस्तान में छोड़ आए थे और उन्हें अपनी नए मुल्क में एक नई ज़िंदगी का आगाज़ करना था। अ न्यू गवर्नमेंट वाज फॉर्म टू रन द न्यू कंट्री, एक नए मुल्क को चलाने के लिए एक नई हुकूमत को तश्कील देना था। कायद आज़म मोहम्मद अली जनाह वाज मेड गवर्नर जनरल एंड लियाकत अली खान वाज मेड द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर। कायद मोहम्मद अली जना पहले गवर्नर जनरल बने और लियाकत अली खान जो हैं वो पहले वज़ीर आज़म मुंतखब हुए। द मुस्लिम लीडर्स एग्रीड दैट द न्यू कंट्री वुड बी अ डेमोक्रेसी, तमाम मुसलमान रहनुमाओं ने इस बात पर इतफाक़ किया कि नए मुल्क में जमहूरियत होगी। इन अ डेमोक्रेसी, जमहूरियत में द पीपल इलेक्ट अ गवर्नमेंट ऑफ देयर चॉइस, जमहूरियत में लोग अपनी मर्ज़ी की हुकूमत को मुंतखब करते हैं। बट बिफोर दिस, लेकिन इससे पहले दिस कुड बी डन, ये ऐसा मुमकिन होता। देयर वाज अ लॉट टू ऑर्गेनाइज इन पाकिस्तान, पाकिस्तान को मुनज़्ज़म करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। यानी ये एक नौज़ायदा रियासत थी, इसे बहुत से मसाइल दरपेश थे जिसकी वजह से पाकिस्तान इंतहाई नाजुक सूरत हाल से गुजर रहा था। इसलिए इसके तमाम मसाइल को हल करना अजहद बहुत ज़रूरी था। दिस वर्क वाज गिवन टू अ ग्रुप ऑफ लीडर्स हु फॉर्म द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, ये काम लीडर्स के एक ग्रुप को दिया गया जिन पर मुश्तमिल एक कानून साज असम्बली बनाई गई। दे हैड टू राइट अ कॉन्स्टिट्यूशन, उन्होंने एक आइन लिखा। On 11 September 1948, कायद अजम मोहम्मद अली जिना डाइड इन कराची। 11 September 1948 को कायद अजम मोहम्मद अली जिना कराची में वफात पा गए। ख्वाजा नाजमुद्दीन बिकेम गवर्नर जनरल, ख्वाजा नाजमुद्दीन को गवर्नर जनरल बना दिया गया। ऑन 16 October 1951 द प्राइम मिनिस्टर लियाकत अली खान वाज शूट डेड, प्राइम मिनिस्टर लियाकत अली खान को जो है वो गोली मारकर हलाक कर दिया गया। वाइल एड्रेसिंग अ मीटिंग इन रावलपिंडी, जबकि वो रावलपिंडी में जो है ख़ताब कर रहे थे। गुलाम मोहम्मद बिकेम द गवर्नर जनरल एंड ख्वाजा नाजमुद्दीन वाज मेड प्राइम मिनिस्टर। गुलाम मोहम्मद जो हैं वो गवर्नर जनरल बन गए और ख्वाजा नाजमुद्दीन को वज़ीर आज़म बना दिया गया। हाउ एवर, पाकिस्तान स्टिल हैड नो स्टेबल गवर्नमेंट, ताहम अभी तक पाकिस्तान के पास कोई मुस्तहकम हुकूमत नहीं थी। इन 1955 मेजर जनरल सिकंदर मिर्ज़ा टुक ओवर फ्रॉम गुलाम मोहम्मद हु वाज़ वेरी इल। 1955 में मेजर जनरल सिकंदर मिर्ज़ा ने गुलाम मोहम्मद को जो कि बहुत बीमार थे की जगह ले ली। इन 1956 द फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन वाज पास्ड, 1956 में पहला आयन जो है वो पास हुआ। इट वाज डिसाइडेड दैट पाकिस्तान शुड बी अ रिपब्लिक, ये बात तय हुई कि पाकिस्तान एक जमहूरिया होगा विद अ प्रेसिडेंट, एक सदर के साथ। द फर्स्ट प्रेसिडेंट वाज मेजर जनरल सिकंदर मिर्ज़ा, और पहला सदर जो है वो मेजर जनरल सिकंदर मिर्ज़ा था। इन अक्टूबर 1958 सिकंदर मिर्ज़ा डिक्लेयर्ड मार्शल ला, और अक्टूबर 1958 में सिकंदर मिर्ज़ा ने मार्शल ला लगा दिया। एंड द कॉन्स्टिट्यूशन वाज एबोलिश्ड, और आइन को ख़त्म कर दिया। एबोलिश्ड मीन ख़त्म कर देना। जनरल मोहम्मद अयूब खान वाज एट दिस टाइम द कमांडर इन चीफ ऑफ द आर्मी, और उस वक्त मोहम्मद अयूब खान जो हैं वो पाकिस्तान आर्मी के कमांडर इन चीफ थे। सो दिस इज़ आवर टुडेज लेक्चर, इट विल बी कंटिन्यूड इन नेक्स्ट लेक्चर इंशाल्लाह। टिल देन अल्लाह हाफिज़।